कैसे हैं आप सब तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर सिक्सटी फोर डेट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा नाइन्टी सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है टू थाउजेंड इलेवन का गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और इस कंटेक्स में इट इज मेड द थ्री फॉलोइंग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो फर्स्ट है कि इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फंडामेंटल राइट एंड सेकेंड इज इट इंक्लूडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन द प्रमोशन ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी डेट इज़ आर्टिकल फोर्टी थ्री बी एंड थर्ड इज एडिंग अव पार्ट डेट इज़ नाइन बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ एंटाइटल द कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो आर्टिकल है टू फोर्टी थ्री जेड एस से लेके टू फोर्टी थ्री जेड टी तक चलता है तो ये तीन चेंजेज यहाँ रखेंगे आप कि जो राइट टू तो फोर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी उससे फंडामेंटल राइट बना दिया गया देट इज़ आर्टिकल नाइनटीन एंड फोटी थ्री भी जो हमारे ड्यू पी एस पी में एड कर दिया गया कि प्रमोशन ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी एंड न्यू पार्ट डेट इज नाइन बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज एंटाइटल द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल्सो एडिड और जो आर्टिकल टू फोर्टी थ्री जेड एस से लेके गए टू फोर्टी थ्री जेट इतना चलता है तो इतने आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हैं कि जो पार्ट नाइन भी तो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तो फर्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है मे मेक प्रोविजन फॉर द इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप वेरी इंपॉर्टेंट थ्री वर्ड्स की इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप की इनकॉर्पोरेट करना उसको रेगुलेट करना और जो बाद में वाइंड अप मतलब बंद भी करने का रिगार्डिंग भी सारे जो प्रोविजंस हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉलन्ट्री फॉर्मेशन डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल और मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और ऑटोनोमस फंक्शनिंग जो हमारे डी में भी इंक्लूड है अब नंबर और टर्म्स ऑफ मेम्बर देख लेते हैं बोर्ड के और इट्स ऑफिस

एक सीट रिजर्वेशन होगी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए और जो दो सीट्स हैं फॉर वुमेन ऑन द बोर्ड ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैविंग मेंबर फ्रॉम सच अ कैटेगरी ऑफ पर्सन तो एक मेंबर होगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का और दो सीट्स होंगी फॉर वुमेन ऑन द बोर्ड ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो टर्म है ऑफिस की ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोर्ड और इसका जो ऑफिस शेल बी ऑफ फाइव ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर है शेल मेक प्रोविजन फॉर कोऑप्शन ऑफ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट फाइनेंस स्पेशलाइजेशन इन एनी अदर रिलेटेड फील्ड एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड तो ये को ऑप्शन भी है कि ये मतलब ये एडिशन में जो डायरेक्टर है उनसे एडिशन में और अलग मेम्बर रखे जा रहे हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर उसके रिगार्डिंग प्रोविजन बनाएंगे कि कोई भी पसन जिससे एक्सपीरियंस हो इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट फाइनेंस स्पेशलाइजेशन हो किसी भी रिलेटेड फील्ड में तो वो बोर्ड में ऐड कर सकने का जो प्रोविजन है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है बट जो सच नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ सच को ऑप्टिड मेंबर्स हैं वो कैन नॉट एक्सीड टू के दो से ज़्यादा नहीं हो सकते इन एडिशन टू द ट्वेंटी वन डायरेक्टर की उनसे अलग हैं ये फर्दर जो को ऑप्टिड मेंबर्स हैं शेल नॉट हैव द राइट टू वोट इन एनी इलेक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी और बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज ए ऑफिस बेरियर ऑफ द बोर्ड किन को पास जो कॉपरेड मेंबर है उनके पास नहीं है राइट टू वोट इन एनी इलेक्शन ऑफ़ द कोऑपरेटिव सोसाइटी और ना ही एलिजिबल है फोर टू बी इलेक्टेड एज अ ऑफिस ऑफ द बोर्ड के लिए और जो फंक्शन है डायरेक्टर का ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी शेल आल्सो बी द मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड सच मेंबर शेल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर डेट इज़ की ट्वेंटी वन की जो फंक्शनल डायरेक्टर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के वो भी मेंबर हो सकते हैं बोर्ड के और ये मेंबर एक्सक्लूड किए जाएंगे फॉर पर्पस की जो 21 की काउंटिंग के अंदर मींस ये नहीं आएंगे कि जो 21 डायरेक्टर्स हैं उनसे अलग होंगे फंक्शनल डायरेक्टर्स अब देख लेते हैं इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ बोर्ड कि जो इलेक्शन है बोर्ड का वो कंडक्ट किया जाता है बिफोर द एक्सपायरी उसकी जो टर्म है जो हमने पाँच साल ऊपर पढ़ी है उससे पहले इससे इन्श्योर किया जा सके कि डेट द न्यूली इलेक्टेड मेम्बर इन्श्योर ऑफिस इमिडिएटली ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेम्बर ऑफ़ द आउट गोइंग बोर्ड और जो सुबिडेंस डायरेक्शन कंट्रोल है प्रिपेरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी व दिया जाएगा उस बॉडी को जो प्रोवाइड की जाएगी स्टेट लेजिस्चर द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्टली नहीं बोल दिया कि इलेक्शन कमीशन करेगी या को स्टेट इलेक्शन करेगी ये प्रोविज़न बनाने का जो भी पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास है और जो सुपर सेशन सस्पेंशन ऑफ बोर्ड और इंटरम मैनेजमेंट देख लेते हैं कि नो बोर्ड शेल बी सुपरसीडेड और किप्ट अंडर सस्पेंशन फोर अ पीरियड एक्सीडिंग सिक्स मंथ वेरी इंपॉर्टेंट और द बोर्ड में भी सुपरसीडेड और केप्ट अंडर सस्पेंशन इन द केस फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि सुपरसीडेड इन द केस किसको को डिजोल्व कर दिया है उसकी जगह दूसरी अथॉरिटी लिया है और जो सस्पेंशन है कि उससे सस्पेंडेड पड़ी है तो लेकिन दोनों ही केसेस में इन्होंने कहा है कि कोई भी बोर्ड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है ना ही वो कि डिसॉल्व करके उसे नया अथॉरिटी ले आए और ना ही उसे सस्पेंड कर सकते छः महीने से ज्यादा और छह महीने के अंदर इनको जो बोर्ड है उसे रीअपॉइंट करना ही होगा अब इसका इसमें तो ये भी कि जो बोर्ड है मे बी सुपरसीडेड और कैप्ट अंडर सस्पेंशन ये हो भी सकता है किन केसेस में और अगर वो परसिस्टेंट डिफॉल्ट कर रहा है और ऑफ नेग्लिजेंस इन परफॉर्मेंस उसकी ड्यूटी में है कि ऑफ़ कमिटिंग एनी एक्ट प्रजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी और इट्स मेंबर कि कोई भी एक्ट एक्ट uh, कर रहा है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हित में बिल्कुल भी नहीं है फोर्थ की ऑफ देयर बीइंग अ स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन ऑफ द बोर्ड कि, कि वही बेसिकली कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं है कि ऑफ द इलेक्शन बॉडी हैविंग फेल्ड टू कंडक्ट इलेक्शन इन अकॉर्डिंग प्रोविज़न ऑफ द स्टेट एक्ट कि ये इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द जो प्रोविजन हैं स्टेट एक्ट के उसके हिसाब से नहीं कराए तो इन पाँचों कंडीशन में द बोर्ड में भी सुपरसीडिड और कैप्ट अंडर सस्पेंशन हावेवर जो बोर्ड है ऑफ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी शेल नॉट बी सुपर सीडिड और कैप्ट अंडर सस्पेंशन वेयर देर इज नो गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग लोन फाइनेंशियल असिस्टेंट और एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बोर्ड है ऑफ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सुपर सीड नहीं किया जाएगा ना ही सस्पेंशन के अंदर रखा जाएगा कहाँ पर वेयर देर इज नो गवर्मेंट शेयर होल्डिंग और लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंट और एनी गारंटी बाय द गर्मेंट और इन केस ऑफ सुपरसेशन ऑफ अ बोर्ड जो एडमिनिस्ट्रेटर है अपॉइंटेड टू मैनेज द फेयर ऑफ सच कॉपरेटिव सोसाइटी शेल अरेंज फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ और हैंड ओवर द मैनेजमेंट टू द इलेक्टेड बोर्ड जो इन केस ऑफ सुपर सेशन के केस में जो एडमिनिस्टर है जो अपॉइंट किया गया एज एडमिनिटरटेड टू मैनेज द अफेयर ऑफ सच कोऑपरेटिव सोसाइटी सेल अरेंज फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन विद इन द पीरियड ऑफ सिक्स मंथ तो बेसिकली कि जो आपको बताया कि सुपर सेशन में क्या होता है कि उसे उसके जगह एक अथॉरिटी अपॉइंट कर दी जाती है जिसको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बोला जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट किया गया जो सच सुपर सेशन के केस में तो विद इन अ सिक्स मंथ हमने जो ऊपर पढ़ाया है कि उसको तो गवर्नमेंट को उस पीरियड का सुपर सेशन का सिक्स मंथ दिया है एक्सीड नहीं कर सकता वो तो विदन सिक्स मंथ जो एडमिनिस्टर है उसे इलेक्शंस के रिगार्डिंग उसे कंडक्ट के लिए अरेंज करना पड़ेगा कि जो भी इलेक्शन के रिगार्डिंग उसे काम करना पड़े एंड आई ओवर द मैनेजमेंट टू द इलेक्टेड बॉडी ये आपको पूरा ही क्लियर होना चाहिए एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स एंड द ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी देख लेते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है मे मेक प्रोविजन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो ऑडिटिंग है सच अकाउंट की वो oh, एटलीस्ट एक बार तो एक हर साल में हो जानी ही चाहिए उन्होंने इट शेल है ले डाउन कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है ऑडिटर्स का ऑडिटिंग फर्म्स का एंड शेल भी एलिजिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कि साल में एक बार बुलाए फॉर एटलीस्ट वंस इन एवरी फाइनेंशियल ईयर और हर कोऑपरेटिव सोसाइटी का शेल बी ऑडिटेड बाय ऑडिटर और ऑडिटिंग फर्म जो अपॉइंटेड की जाएगी बाय द जनरल बॉडी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी की और सच ऑडिटर ऑडिटिंग फॉर्म शेल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अ पैनल जो अप्रूव किया जाएगा सेंट्रल नहीं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट और अ बॉडी ऑथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन दिस बिहाव तो उसमें पैनल से ये अपॉइंट किए जाएंगे और जो अकाउंट है ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शेल बी ऑडिटेड विद इन सिक्स मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कि जैसे ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो उसके सिक्स मंथ के अंदर ये जो अकाउंट्स हैं हर कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो एडिट हो जाना चाहिए इट्स शैल जो मीन्स मैंडेटरी है ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं अकाउंट ऑफ एन एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखी जाती हैं अब कन्वीनिंग ऑफ जनरल ये बॉडी मीटिंग्स हैं ये देख लेते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी कन्ड विद इन द पीरियड ऑफ सिक्स मंथ ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर की वही फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के बाद विदिन अ सिक्स मंथ ये मीटिंग होनी चाहिए एंड जो राइट ऑफ अ मिनिस्टर टू गैट इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है मे प्रोवाइड फॉर द एक्सेस ऑफ एवरी मेबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी टू द बुक्स इंफॉमेशन अकाउंट ऑफ द कापरेटिव सोसाइटी इट मे ऑल्सो मेक प्रोविजन की इंश्योर कर सके पार्टिसिपेशन मेबर्स का इन द मैनेजमेंट ऑफ द कऑपरेटिव सोसाइटी फर्दर इट मे प्रोवाइड फॉर कॉपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इट्स मेम्बर रिटर्न देख लेते हैं कि एवरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है शेल फाइल रिटर्न विद इन अ सिक्स मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कि जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं एंड टू द अथॉरिटी डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उस अथॉरिटी को एंड दिस रिटर्न शेल इंक्लूड द फॉलोइंग मैटर रिटर्न में ये मैटर इंक्लूड होने चाहिए कि एनुअल रिपोर्ट उनकी एक्टिविटीज़ का इट ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और प्लान फॉर सरप्लस डिस्पोजल एनी अप्रूव बाय द जो जनरल बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा है कि कोई भी सरप्लस अमाउंट है एंड द लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट टू द बाइलॉज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी या डिक्लेरेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ होल्डिंग ऑफ इट्स जो भी मीटिंग्स हैं जनरल बॉडी की और इलेक्शन के उसकी रिगार्डिंग जो डेट है वो भी उस रिपोर्ट में होनी चाहिए और एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार है उसके द्वारा रिक्वायर्ड की जाएगी इन परसुएंस ऑफ एनी ऑफ़ द प्रोविजन ऑफ द स्टेट एक्ट तो ये जितने भी सिक्स प्रोविज़न है ये सारे ही उसके अंदर मैटर होने चाहिए दोबारा देख लेते हैं एनुअल रिपोर्ट्स उसकी एक्टिविटीज़ की ऑडिटिंग स्टेटमेंट उसके अकाउंट की उसका प्लान फॉर सरप्लस जो अमाउंट है उसका क्या प्लान है उसको यूज़ करने का वो डी की लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट उसके लॉज में और ई है कि डिक्लेरेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ होल्डिंग उसकी मीटिंग्स और जनरल इलेक्शन एफ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार द्वारा रिक्वायर्ड है इन रिगार्डिंग को कोई भी प्रोविज़न जो स्टेट एक्ट के द्वारा बनाया गया हो अब ऑफेंसिस और पेनल्टीज देख लेते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है मे मेक प्रोविज़न फॉर द ऑफेंसिस रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पेनल्टीज फॉर सच ऑफेंस और सच आर लो शेल इंक्लूड द कमीशन एंड ओमिशन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ऑफेंसिस कौन कौन सी जो कॉपरेटिव जो सोसाइटी अगर विलफुली एक फॉल्स स्टेटमेंट देती है कोई गलत इंफॉर्मेशन देती है तो उस केस में सेकेंड इफ़ एनी पर्सन विलफुली डिसोबे करता है एनी समन एन रिक्विजिशन और ऑर्डर जो इशू किया गया है स्टेट एक्ट के द्वारा तब भी वो पनिशेबल होगा एनी एम्प्लॉयर हु विदाउट सफिशेंट कोर्स फेल टू पे टू कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो भी अमाउंट डिडक्ट की गई फॉर्म इट्स एम्प्लॉय विद इन अ पीरियड ऑफ फोर्टीन डेज डी ए की एनी ऑफिसर वह विलफुल फेल टू हैंड ओवर कस्टडी ऑफ बुक्स अकाउंट जो मैंने ऊपर देखा था राइट टू इन्फॉर्मेशन में लेकिन उसको रिटर्न भी करना है कि हु विलफुली कि लेकिन वो रिटर्न नहीं कर रहा है और कस्टडी ऑफ बुक्स को अकाउंट्स को डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड कैश सिक्योरिटी और अदर प्रॉपर्टी जो कॉपरेटिव सोसाइटी तो बिलोंग करती हैं टू एन ऑथोराइज पर्सन को रिटर्न नहीं कर रहा है उसमें भी वो पनिश हो सकता है और एनी पर्सन हु अडॉप्टप्ट प्रैक्टिस बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ अ मेम्बर ऑफ द बोर्ड तो याद रखेंगे आप बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर तीनों में ही जो इलेक्शन है मेंबर ऑफ बोर्ड का उसके दौरान अगर वो करप्ट प्रैक्टिस अडोप्ट करता है कोई भी पर्सन तो पनिशेबल होगा वो अब एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी देख लेते हैं कि जो प्रोविजन है इस पार्ट का शेल अप्लाई टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज सब्जेक्ट टू द मोडिफिकेशन डेट एनी रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट एक्ट और स्टेट गवर्नमेंट शेल बी कॉन्स्टिट्यूट एज अ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट सेंट्रल एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पेक्टिवली अब एप्लीकेशन देख लेते हैं टू यूटीज़ की जो प्रोविजन हैं इस पार्ट के वो अप्लाई होंगे यूटीज़ को बट जो प्रेजिडेंट साहब हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसका प्रोविज़न कि उन्हें एक्सक्लूड कर सकते हैं कि किसी यूटी में वो अप्लाई ना हो और वो किसी होंगे तो किसके किसी पार्ट पे तो ये प्रेजिडेंट साहब के पास पावर है अब कंटिन्यूस देख लेते हैं एग्जिटिंग लॉ का कि एनी लॉ और एनी प्रोविजन किसी भी लोग का रिलेटिंग टू द कॉपरेटिव सोसाइटी इन फोर्स इन स्टेट इमिडियटली आफ्टर द कमेसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो जो हमारा नाइन्टी सेवेंथ अमेंडमेंट रहते हैं टू थाउजेंड इलेवन का अगर वो उस विच इज़ इन कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट तो बेसिकली यही बोला है कि जो कोई भी लो रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर वो फोर्स में है मतलब अभी चल रहा है बिफोर द कमिन्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही अगर वो कोई भी लोग द कोऑपरेटिव तो सोसाइटी चल रहा है और वो इनकंसिस्टेंट है किस एक्ट से जो हमारा नाइन्टी सेवेंथ एक्ट आया है अमेंडमेंट से 2011 से तो वो एक्ट कंटिन्यू रहेगा कब तक जब तक उसमें अमेंडमेंट ना कर दिया जाए उसे रिपीट ही करना नहीं कर दिया जाए और एंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ वन ईयर फ्रॉम द सच कमेंसमेंट विच एवर इज लेस कि वो एक्ट अगर इनकंसिस्टेंट है जो हमारा नया अमेंडमेंट आया है उससे तो वो कब तक कंटिन्यू रहेगा कि बेसिकली जब तक जब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं कर दिया जाता कि अमेंडमेंट कर दिया तो बस अब वो कंटिन्यू रह सकता है अब रिपील ही कर दिया तो वो बिल्कुल ही ख़त्म और अनटिल जो एक्सपायरेशन एक साल तक की फ्रॉम सच कमिटमेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो कमिटमेंट है जैट इज़ ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फोर्टी तो उससे एक साल तक की वो कंटिन्यू रहेगा विच एवर इज़ लेस तो ये आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाना चाहिए अब रीज़न देख लेते हैं फोर द नाइन्टी सेवंथ अमेंडमेंट कि बेसिकली ये बड़ा पैराग्राफ है इसको आपको समरी करके बताना है कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर है ओवर द ईयर उसने एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है टू द वेरियस सेक्टर ऑफ द नेशन इकोनॉमी में और बहुत सारी अचीवमेंट भी की है एवर इट इसके वीकनेसेस भी हैं इन सेव गार्डिंग द इंटरेस्ट है उसके मेम्बर्स का और फुलफिल ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच ये इंस्टीट्यूशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया था और देर आर बिन इंस्टेंसिस वे जो इलेक्शंस हैं वो प्रोस्पोन कर दिए गए इनडेफिनेटली और जो नॉमिनेटेड ऑफिशर्स हैं वो एंड एडमिनिस्टर्ड है वो रिमेन इन द चार्ज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द लॉन्ग टाइम कि बेसिकली कि कुछ इंस्टेंट ऐसे हुए हैं कि जिसमें इसके इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए बिकॉज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेम्बर्स हैं वो चाह रहे थे कि वही ऑलरेडी प्रेजेंट रहे उनकी इच्छा ये थी और दिस रिड्यूस करता रहा है कि जो अकाउंटेबिलिटी है इन द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इट्स मेंबर और जो इन एडुकेट जो प्रोफेशनलिज्म हो रहा है ये इन द मैनेजमेंट इन मैनी ऑफ द कऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन लेड टू पोअर सर्विस और लो प्रोडक्टिविटी जो कोऑपरेटिव्स हैं नीड टू रन ऑन वेल एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे उन्हें चलने की जरूरत है और इलेक्शन जो है वो टाइम पे होने चाहिए और फ्री और फेयर मैने में होने चाहिए देर फॉर वी नीड अ इनिशिएट के फंडामेंटल रिफॉर्म हो जिससे रिवर्टलाइज करें इन इंस्टीट्यूशन को इन ऑर्डर टू इन्श्योर देर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री के और सर्व करें इंटरेस्ट ऑफ मैंबर और पब्लिक का एट लार्ज जिससे इन्श्योर हो सके ऑटोनॉमी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग और प्रोफेशनल मैनेजमेंट तो आपको पूरा ही ये क्लियर हो जाना चाहिए इट्स वेरी इजी सेकंड इसका रीजन दिया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इज अ सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में है डेट इज एंट्री ऑफ द सेवन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो जो स्टेट लेजिस्लेचर है अकॉर्डिंगली इस पर कानून बनाती है ओन कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्होंने बना दिया और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट एक्ट जो ग्रोथ है कोऑपरेटिव सोसाइटी ओन अ लार्ज स्केल वॉज इन्वेसिज एज अ पार्ट ऑफ द एफर्ट फॉर सिक्योरिंग सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ़ डेवलपमेंट का एंड इट हैज एवर बीन एक्सपीरियंस एक्सपेंशन ऑफ द काप्रटिव सोसाइटी जो देर परफॉर्मेंस इन क्वालिटी यही है कि जो कॉपरेटिव सोसाइटी है ये हमारी स्टेट लिस्ट का टॉपिक है एंट्री थर्टी टू का ऑफ द सेवन शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का तो स्टेट लिस्टलेचर के पास पावर है ये इस पे कानून बनाने के लिए तो उन्होंने स्टेट लेजिस्लेशन हैव अकॉर्डिंगली इन्होंने कानून बना दिया ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज लेकिन जो एक्सपेंशन हो रहा था यहाँ पे यही बोला गया वो एक्सपेंशन के साथ साथ क्वांटिटी तो बढ़ रही थी लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ रही थी उनके परफॉर्मेंस में कि देयर परफॉर्मेंस इन द क्वालिटेटिव टर्म्स हैज़ नॉट बीन अप टू तो देयर डिज़ायर्ड लेवल इसलिए ये इस सेकेंड रीजन आ गया कि हमें रिफॉर्म्स की क्यों जरूरत थी कि फर्स्ट हमने देख लिया कि वही मिसमैनेजमेंट हो रहा था इलेक्शन टाइम पे नहीं हो रहा था इसलिए नाइन्टी सेवंथ अमेन्डमेंट आया सेकंड कि क्वांटिटी बढ़ रही है क्वालिटी नहीं बढ़ रही थी अप टू द डिजायर्ड लेवल कंसिडरिंग द नीड फॉर द रिफॉर्म्स इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द स्टेट जो कंसल्टेशन है विद द स्टेट गवर्नमेंट जो होने लगी सेवन ओकेजन पे और इन द कॉन्फ्रेंसिस ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव मिनिस्टर और एक स्ट्रॉन्ग नीड थी जिससे फिल किया जाने लगा फॉर द एमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज टू कीप द जो दपरेटिव है उन्हें फ्री किया जाना चाहिए फ्रॉम द अननेसेसरी आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड आलसो टू एंश्योर देयर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजन सेटअप एंड देयर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग तो बेसिकली सारे काम किस लिए हो रहे हैं फॉर देयर ऑटोमेटिक जो ऑटोनोमस अभी ऑर्गेनाइज हो चुके हैं और डेमोक्रेटिक फंक्शन कर सकें थर्ड है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कमिटेड है कि वो इंश्योर कर सके डेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे कंट्री के अंदर वो फंक्शन करें इन द डेमोक्रेटिक प्रोफेशनल ऑटोनोमस और इकोनॉमिकली साउंड मैनर में और इस व्यू के साथ टू ब्रिंग द उन्हें नेसेसरी जो रिफॉर्म्स लाए और इट वॉज प्रपोज कि वो इंकॉपरेट किए एक न्यू पार्ट को इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू प्रोवाइड सर्टेन प्रोविजन कवरिंग अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइक डेमोक्रेटिक ऑटोनोमस और प्रोफेशनल फंक्शनिंग और ये एक्सपेक्ट किए हुआ डेट वॉज एक्सपेक्टेड इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट दिस प्रोविजन वी नॉट ओनली इंश्योर की ऑटोनोमस और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का बट ऑल्सो इश्योर अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट की टू द मेम्बर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स की इस इन्होंने एक्सपेक्ट ये किया था इस प्रोविज़न को लाने से कि इससे केवल ऑटोनोमस और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ही इंश्योर नहीं होती बल्कि जो मैनेजमेंट है उसकी अकाउंटिबिलिटी भी इंश्योर होती है टू द मेम्बर्स और अदर स्टेक होल्डर्स और डिटरेंस ऑफ देशन ऑफ द लॉ और खत्म हो जाएगा टू फोर्टी थ्री जेड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं इलेक्शन टू फोर्टी थ्री जेड के इलेक्शन ऑफ द बॉडी बाकी आप देख सकते हैं इसमें तो गाइज अब